लालू प्रसाद यादव को जेल भेजे जाने को एक षड्यंत्र बताते हुए यादव महासभा द्वारा जुबली पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक की अध्यक्षता आनंदमय पात्रा कर रहे थे। और इस बैठक के माध्यम से हम अपने समाज को और पिछड़े वर्ग के लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो पिकनिक संगठित कर रहे हैं, जो पिकनिक का हम लोग डेट रखे हैं 4 तारीख को, 4 फरवरी को रखे हैं। समाज पिकनिक इसलिए कर रहे हैं, अपने को संगठित रखने के लिए, अपना समाज को जोड़ने के लिए। और ये भी हम लोग का प्रस्ताव पारित ये भी हुआ, जी के साथ अन्याय हुआ। हम लोग को महसूस हुआ पूरा झारखंड का और बिहार का, पूरा भारत का 80 करोड़ आदमी बोल रहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मैंने हम लोग को लग रहा कि कस्पर्सी का तहत हुआ, चूंकि 77 से चारा घोटाला स्टार्ट है और लालू जी चीफ मिनिस्टर बने तो पूरा गलत हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार और पोटका के विधायक मेनका सरदार ने सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस वार्ता बुलाकर उपलब्धियों को गिनाया। श्री रघुवर दास जी के शपथ ग्रहण के पश्चात ही राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, स्थानीय नीति, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और स्थानीय नीति को परिभाषित किया, जिसके तहत राज्य भर में जेपीएससी के माध्यम से 26,000 नियुक्तियां और अन्य नियुक्तियों को अगर हम सभी लोग पूर्ण रूप से देखें, पूरे झारखंड राज्य में 1,00,000 से अधिक नियुक्तियां राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी के माध्यम से संपन्न हुई। आने वाले दिनों पर और भी नियुक्तियां होने वाली हैं। इसके अलावा अपने नेता आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाओं में से बीपीएल कार्ड को मुक्त करते हुए, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी असाध्य योजना, जिसमें पूर्व में बीपीएल कार्ड अनिवार्य हुआ करता था, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 72,000 के आय प्रमाण पत्र और उससे कम के आय प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी असाध्य योजना को हम सभी लोग आसानी से लागू करा पा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। मुखिया डांगा से आए ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य निर्जया देवी के पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। को आए हैं आपका देख रहे होंगे, इस महिला मुखिया डांगा का केस है, वहाँ की नीरज देवी वहाँ पे है। नीरज देवी वार्ड मेंबर महिला है, एक महिला है, पर बात वहाँ हो जा रहा है नाम से खाली वो महिला वार्ड मेंबर है, पर उसके पति पूरा वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, सारे काम उसके पति करते हैं, जबकि ये कानून में नहीं है। अगर महिला है वार्ड मेंबर तो महिला ही सारा कार्य देखेगी। यहाँ तो ये है कि पति देखते हैं, महिला फिर कैसे अपना समस्या महिला पुरुष को बताएगी। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना कर सरकार के लिए बरकत की मांग की गई है। जी खड़ा होकर साइड में खड़ा दिखते रहे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते रहे। धर्म संस्था मंदिर में अप्पा स्वामी की पूजा अर्चना पिछले 40 दिनों से चल रही है। पूरे कर्मकांड में अंतिम पड़ाव में बड़ी संख्या में भक्तजन इसमें दूर दूर से आकर भाग लेते हैं।